भारत माता की सामने बिराजी हुई देवतुल्य समस्त जनता की, आप सब लोगों की इतनी भारी भीड़ देख के हमें ये एहसास हो रहा है कि जीत तो हमारी निकिल्लर हो चुकी है। और विरोधियों के खेमे के अश्व बल में भगदड़ मच चुकी है और वो मंथन कर रहे हैं कि ये चुनाव लड़े या ना लड़े। आप सभी साथियों से ये गुजारिश रहेगी कि हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जैसा अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, हमारा लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए कि भारतीय दिल्ली जाना चाहिए। और हमारे आसपास में जो गतिविधियां होती है, कई दुर्योधन और शकुनी हमें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए 26 तारीख को भाटी का बटन दबा के भाटी को दिल्ली भेजेंगे, तो पूरे विश्व में आपका डंका बोलेगा और लोग कहेंगे कि वास्तव में बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने एक ऐसा राजनेता सुना है जिसकी पूरे विश्व में तूती बोल रही है। दोस्तों, अभी 3 महीने पहले हमने विधानसभा में टेबले टूटते हुए देखी है और यही हम दिल्ली के चांदनी चौक और बंगला साहब गुरुद्वारा के होते हुए संसद भवन में जाते हुए देखना चाहते हैं। अभी हमारे विधायक महोदय जो ब्रिटेन गए थे और लॉर्ड्स में जो राजस्थानी भाषा में जो भाषण दिया था, आज तक किसी तन सिंह के बाद में हमारी मातृभाषा का इतना सम्मान किसी ने नहीं किया जितना रविंद्र सिंह भाटी ने किया है। गांव गरीब और जनता का काम करने वाला ऐसा नेता हमें चाहिए तो रविंद्र सिंह भाटी है। हम किसी न किसी पार्टी से सारे जुड़े हुए, हमारी सबकी कोई पार्टियां होगी, पदाधिकारी भी होंगे, मगर हमें सब पार्टियों को औकात दिखाने लगे अब कई बार एक निष्पक्ष और निडर योद्धा को दिल्ली की संसद में भेजना है। और 543 संसद सदस्यों के बीच में राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर का ऐसा मर्द गूंजेगा कि भेड़ियों के बीच में जैसे शेर दहाड़ रहा हो। और ये काम आप लोग करेंगे, हमें विश्वास हो रहा है कि आज की जनवेदना देखते हुए ये एहसास हो गया है कि चुनाव तो एक फॉर्मेलिटी है और आज हमारी जीत डिक्लेयर हो गई और भाटी दिल्ली पहुंचने के लिए अश्वत्थ बैग को सिंगार रहा है। आप लोगों का एक ही ध्येय होना चाहिए, हम सब जातियों के बंधु यहाँ है। भाटी के अंदर ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई कुनबा है, ना कोई पक्षपात है, वो हर जनता का काम करने वाला है। ऐसा पूज्य तन सिंह के जैसा, चंद्रशेखर के जैसा ही योद्धा हमारे बीच में कई वर्षों के बाद मिला है। आज हमारे कांग्रेस के जो राजस्व मंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों की जुगलबंदियां देख के हमें ऐसा हो रहा कि दोनों ये एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। और जब पूरा विपक्ष एक हो जाता है समझो कि हमारे शेर में दम है और शेर ईमानदार है। आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि इनके झूठे लॉलीपॉपों के चक्कर में मत आना। जो सरकार 76 साल तक भारत की गरीबी कम नहीं कर सकी और जो सरकार 9 साल में जो मंत्री वाइजा से नीचे आके जमीन में नहीं आए, वो हमारा कोई काम करने के लायक नहीं है। हमें उनको वापस उनका एहसास कराना होगा कि आपको मंत्री जनता बनाती है और आपको संसद और विधानसभा में जनता भेजती है, और उसको जनता की तरफ से आप विमुख हो जाओगे तो वापस धरातल पे आ जाओगे और कर्नल साहब की तरह आप भी वापस उसी लाइन में लग जाओगे। धोखेबाजों से सावधान रहना है और मेरी सर्व जातीय बंधुओं से और विशेषकर क्षत्रिय समाज के सारे बंधुओं से नम्र विनती है, हाथ जोड़ के नीम विनती है कि आप किसी भी तरह के विचलित न होना। आपको सोशल मीडिया द्वारा भ्रमित किया जाएगा, झगड़ा करने की भी नीयत से लोग आपको टॉर्चर करेंगे, मगर आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि ठीक है साहब धन्यवाद, जैसा आपका ध्येय है वैसा काम करो। आप पलट के किसी को जवाब दोगे कि ये माहौल खराब हो जाएगा, लोग ये ताक में रहते हैं कि एक जाति को टारगेट करेंगे तो वापस हमारे को कहने को मौका मिल जाएगा। हरीजी चौधरी ने जो कमलेश प्रजापत एनकाउंटर है और जो जो कारनामे किए वो हमें सब पता है। और आप लोगों से नम्र विनती है, समय कम होने के अभाव में कहना तो बहुत कुछ साहब, अगर मैं आपको हाथ जोड़ के एक बार और विनती करता हूँ कि ऐसा शेर अगर अब कई बार नहीं पहुंचा दिल्ली तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ रहेगा नहीं। विकास बहुत हुआ और बहुत होगा, मगर 5 साल और देख लेना, रविंद्र भाटी को दिल्ली भेज के आपको पता चल जाएगा कि आपने किस शेर को दिल्ली भेजा, आपका सम्मान मान बढ़ेगा। जय श्री राम, जय हिंद।